Hello dear students, myself Major Shadow, I am teaching the maths of class 4. Today's our fourth chapter is division. Division means divide. अब divide कैसे करते हैं? सबसे पहले हम यहाँ अच्छे से table याद करते हैं. अब हम अभी कौन सी क्लास में? फोर्थ क्लास. फोर्थ क्लास में हमें टेबल कहाँ तक याद होनी चाहिए? Approx 16-17 तक टेबल हमें अच्छे से याद होनी चाहिए और 20 तक वो तो और अच्छी बात है, है ना? अब डिवीजन करने के लिए हमें उसकी प्रॉपर्टीज मतलब डिवीजन के रूल कह सकते हैं हम कि डिवीजन करने के लिए हमें क्या क्या होता है, क्या होना चाहिए, ठीक है? प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन मतलब डिवीजन करने की प्रॉपर्टीज, डिवीजन की प्रॉपर्टीज. फर्स्ट प्रॉपर्टी है एन नंबर डिवाइड बाय वन. जिस नंबर का हम डिवाइड करते हैं अगर हम उसे वन से डिवाइड करते हैं तो वह नंबर मतलब वही नंबर उसका आंसर होता है. आया समझ में? जो भी नंबर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वह नंबर उसका ही आंसर होता है. एग्जांपल हम लेते हैं 786 को 1 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है? 786 ही आता है, है ना? समझ में आया? अगर किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं नंबर उसका आंसर होता है. 786 को डिवाइड करो तो क्या आंसर? 786. इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है एनी नंबर डिवाइड बाय सेम नंबर, है सेम मतलब जो नंबर हम ले रहे हैं डिवाइड करने के लिए वही अगर सेम नंबर से डिवाइड होता है. एग्जांपल लेते हैं इस नंबर को इसी नंबर से अपना डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या मिलेगा? वन. हमें क्या मिलेगा? वी गेट वन. मतलब हमारा आंसर क्या आएगा? वन. सेम डिजिट से नंबर. जैसे इसके लिए एक एग्जांपल हम कह सकते हैं हमारे पास चॉकलेट्स है ना, तो हमने कितने चॉकलेट में मान लो 200 चॉकलेट तो एक बच्चे को दे दिए वो सारे 200 चॉकलेट एक को दे दिए तो कितने को दिए हमने? एक. तो हमारा आंसर क्या आएगा? वन. आ गया वन. ऐसे ही थर्ड जीरो डिवाइड बाय नंबर. जीरो डिवाइड बाय मतलब किसी भी नंबर से हम जीरो को डिवाइड करते तो हमें आंसर क्या मिलता है? जीरो. जैसे हम एग्जांपल देंगे 286 डिवाइड बाय जीरो तो हमारा आंसर क्या आएगा? जीरो. आया समझ में? तीनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई. अब ये क्या है? डिवाइड का फॉर्मूला. हम मैथ्स में क्या करना है? फॉर्मूला के हेल्प से हम समझते हैं, है ना? तब डिवीजन करने का फॉर्मूला क्या होता है? डिवाइडेड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशेंट प्लस डिवाइडर. अब हम समझेंगे कि डिवाइडेड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, क्वोशेंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, है ना? ये समझ में आ गई हमें प्रॉपर्टीज. अब हम इस फॉर्मूले में जो भी पुट करेंगे, जो भी वैल्यू दे रखी, जो भी एलिमेंट्स है, कंपोनेंट्स है, इनके बारे में पढ़ेंगे. अब हम क्या समझेंगे? डिवाइडेड का जो रूल है, फॉर्मूला है, इसमें कौन कौन से नंबर जो हम डिवाइड करते हैं तो उसमें किस पोजिशन के जो नंबर होते हैं उसे क्या कहते हैं, यह हमारा डिविजन, ठीक है? अब डिविजन में हमने कौन कौन से ये सारे नंबर सुना है? 457, 228, 201, ठीक है? तो सबसे पहले नंबर क्या टू, ये क्या है? डिवाइजर मतलब जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वह क्या कहलाता है? डिवाइजर. जिस इस टू से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए इसे क्या कहते हैं? डिवाइजर. 228 इस जगह का नंबर हमें मिलता है वह क्या कहलाता है? क्वेश्चन. क्या कहलाता है? क्वेश्चन मतलब हमारा सॉल्यूशन करने के बाद जो हमें मेन आंसर मिलता है वह क्या कहलाता है? क्वेश्चन. नेक्स्ट डिवाइडर फीचर का डिवाइडर ये नंबर क्या कहलाता है? डिवाइडर मतलब जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं वह डिवाइडर कहलाता है. एंड द लास्ट इज रिमाइंडर. रिमाइंडर मीन्स बचाओ, है ना? लास्ट में हमारा क्या बचा है?
वन, इसे क्या कहते हैं रिमाइंडर। आइए समझ में, डिवाइडेड डिवाइडेड क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, आइए समझ में। हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे, है ना। अब ये कैरेक्टर सर फिलअप कैसे, है ना, फिलअप फॉर्म में फिल करना है, लेकिन कैसे डायरेक्ट, अब डायरेक्ट कैसे करेंगे, हम डिवीजन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, है ना, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इन्हें सॉल्व करेंगे, ये है डायरेक्ट आंसर। कैसे, अब 265 डिवाइड बाय 1, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वह नंबर ही उसका आंसर होता है, मतलब 265 को 1 से डिवाइड करते हैं इसका आंसर क्या होगा, 265। समझ में आया, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वह नंबर इटसेल्फ उसका आंसर होता है, ये क्या है डिवीजन की फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर किसी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 1, मतलब कोई सा भी नंबर अगर सेम नंबर से, अगर यहाँ पे कह जाए 315 को 315 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 आया, ऐसे कोई सा भी नंबर को हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 1 आता है। एक और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी नंबर से हम 0 को डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 0, चाहे हमने 32514 लिया या 12 ले 2 ले, जो भी नंबर हम लेंगे जिस नंबर से हम 0 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 0 आएगा। समझ में आया, ये हमने कितना की प्रॉपर्टी को एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझ लिया। अब हम क्या समझेंगे, मेथड, डिवीजन करने की मेथड, है ना। डिवीजन करने की मेथड टू टाइप्स के होते हैं, एक शॉर्ट मेथड एक लॉन्ग मेथड। फर्स्ट हम समझेंगे शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड में मतलब क्या होता है कि हम डायरेक्टली बिना लंबा सॉल्यूशन करें हम उसका आंसर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, हम दो एग्जांपल लेंगे। फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया है 95 को कैसे डिवाइड करना है, तो 95 टू प्लेसेस 100 and 10, अब 9 को पहले 5 से डिवाइड करेंगे, है ना, 9 डिवाइड बाय 5 5 बन गया 5, अब 9 में से 5 माइनस करना कितना बचा 4, कितना हो गया 4, तो फिर हमारे पास 10 प्लस तो क्या गया 4, है ना, 1 प्लस तो क्या 5, क्या गया 45, अब 45 को 5 से डिवाइड करेंगे, 45 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 के बाद 45 आता है कितने टाइम उसमें आता है 9 टाइम्स, तो क्या आ गया 9, है ना। तो समझ में आया कैसे करा हमने, 9 को पहले 5 से डिवाइड करा, है ना, डिवाइड करने पर क्या आया हमारा रिमाइंडर कितना बचा 4, क्यों, क्योंकि 9 में से 5 माइनस करा, ठीक है, और 9 5 बन गया 5, अब इसके बाद क्या बचा हमारा रिमाइंडर 4, और ये पर सॉरी ये 10 प्लस ये 1 प्लस, है ना। अब इसमें हमारा क्या बचा 1 प्लस 5 और 10 प्लस क्या है 4, 45, 45 को वापस से 5 से डिवाइड करेंगे, 45 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 के बराबर 45 कितने टाइम उसमें आता है 9 टाइम्स में, तो 9 में 45 तो हमारा आंसर क्या आ गया 90, है ना। अगर हम कंफ्यूजन है कि ये सही है तो क्या करें 90 का 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 को डिवाइड करेंगे हम फिर 3 से कितना आएगा 2, एंड फिर 3 को डिवाइड करेंगे 3 से कितना आएगा 1, तो हमारा आंसर क्या है। अब कैसे 9 कौन से प्लेस पर 100 प्लेस पर, तो हम 3 3 का आंसर आइए कौन से प्लेस पर लिखेंगे 100 प्लेस पर, है ना। फिर उसके बाद 6 कौन से प्लेस पर 10 प्लेस पर, तो अब
6 का आंसर क्या है, 6 से डिवाइड करो 2, 2 कौन से प्लस को लिखेंगे, 10 से प्लस। अब 3, 3 से 3 को डिवाइड करो 1 है, 1 से प्लस को तक 3, 1 से प्लस को, तो यहां हमने लिख दिया 1। आ गया समझ में, ये हमारी शॉर्ट मेथड है, ठीक है। ये हमने क्या करना है, रिमाइंडर बचने के बाद कैसे सॉल्व होगा वो समझ लें, और ये बिना रिमाइंडर बचे कैसे सॉल्व, ये सब है। अब शॉर्ट मेथड है, उसके बाद क्या होगी लॉन्ग मेथड। अब हम क्या समझेंगे, डिवीजन बाय लॉन्ग मेथड। इसके पहले हमने क्या पढ़ा है, डिवीजन बाय शॉर्ट मेथड। अब हम क्या समझेंगे, डिवीजन बाय लॉन्ग मेथड, है ना। शॉर्ट मतलब छोटी, इसके पता लॉन्ग मतलब लंबा, है ना। थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे लॉन्ग मेथड से। लॉन्ग मेथड में डिवीजन कैसे होगा, 345 कैसे डिवाइड कर रहे हो, 3 से, ठीक। अब 3 से हम 345 को डिवाइड कर रहे हैं लॉन्ग मेथड से। फर्स्ट 3, 3 की टेबल में 3 आता है, कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम, 3 बन जा 3, 3 में से 3 गया तो 0, ऊपर से हमने क्या लिया है 4, ये सॉल्व हो गया है ना। कौन सी प्लस है, 100 प्लस, 100 प्लस का सॉल्व हो गया। अब कौन सी प्लस पर आया, 10 प्लस, 10 प्लस पर क्या है 4। अब 4 हमने नीचे ले लिया, इसको सॉल्व कर दो, 3 की टेबल में 4 आता है, नहीं आया, देन क्या करेंगे हम, 3 बन जा 3, 3 क्यों लिया हमने, क्योंकि हमें जो नंबर हमने दिया है ना उस वही नंबर हमारे टेबल में आना चाहिए, या फिर उससे छोटा होना, लेकिन नियरेस्ट है ना। 4 माइनस 3 1, ठीक है। अब 4 माइनस 3 माइनस करें, ये 1 हमारा रिमाइंडर बन गया। अब क्या करेंगे, अब 3 की टेबल में 1 आता है, नहीं, एक क्यों उन्होंने याद रखा है कि कभी भी जो हमारा रिमाइंडर आता है इसको माइनस करें, अगर वह हमारे डिवाइजर से छोटा है तो हम क्या करेंगे, उसके डिवाइडर के सेकेंड नंबर हम नीचे ले लेंगे, क्या हो गया 15। अब 3 की टेबल में 15 आता है, आता है कितने टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स, डिफरेंस इज 15, इसको माइनस करने पे आया 0। आगे समझ में, तो हमारा आंसर क्या कितना है, 115 है ना। ये क्या हमारी लॉन्ग डिवीजन मेथड, डिवीजन बाय लॉन्ग मेथड, समझ में। और हमने क्या किया है, 3 डिजिट नंबर को सिंगल डिजिट नंबर से डिवाइड किया। अब क्या करेंगे, 4 डिजिट नंबर को सिंगल डिजिट नंबर से डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे, सॉल्यूशन डिवाइड है से जो स्टेप इसमें थी वही स्टेप इसमें करेंगे। 6 के बाद 7 नहीं आता, 7 से छोटा डिजिट 6, 6 बन जा 6, रिमाइंडर 1। अब 6 से छोटा, फिर हमने क्या करा, 1 एक और नीचे है ना, जो ये नंबर था वो नीचे आ गया। अब क्या करा, 11, अब 6 के बाद 11 आता नहीं आता, 11 से छोटा ना था 6 आता, कितने टाइम से 1 टाइम, 6 बन जा 6, कितना बचा 11 बन 6 5। अब 5 छोटा है मतलब वापस से एक और डिजिट लेंगे। अब 6 के लेवल में 52 आता है, नहीं आता, 6 6 36, 6 7 42, 6 7 48, 6 9 54 होता है ना, मतलब 6 8 है, कितना होगा, 6 8 48, 6 8 48। अब हम इस माइनस से माइनस करेंगे, 2 में से 8 पॉसिबल नहीं, हमने क्या लिया कैरी फॉरवर्ड, ये 12 के 12 में से 4, यहाँ 4 बचा, 4 में 4 में 0। अब हमारे पास एक नंबर हो रहा है तो वो हमने नीचे उतार दिया, कितना हो गया 48 हो गया। 6 के टेबल में 48 आता है, आता है कितने टाइम से, 6 8 48, ये हमारी डिवीजन मेथड कंप्लीट।
है शॉर्ट एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब हम क्या समझे, डिवीजन बाय 10, 100, 1000 है ना, किसी भी नंबर को हम अगर 10, 100, 1000 से डिवाइड करते हैं तो कैसे डिवाइड करेंगे, या फिर डायरेक्ट शॉर्ट मेथड से हम बताएंगे कि हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, कॉन्स्टेंट क्या मिलेगा। ठीक है, एग्जाम्पल आप लेते हैं कि अगर क्वेश्चन नंबर है ना, जैसे 875, अगर इसको हम 10 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, और रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, अब लास्ट हमें हमेशा ये याद रखना है कि अगर 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो लास्ट डिजिट जो रहेगी वो हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होगा, और फर्स्ट टू डिजिट, ठीक है, वो क्या होगी, क्वेश्चन। आया समझ में, मतलब अगर 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो लास्ट नंबर होगा वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, और जो बाकी के बचे ये 3 डिजिट है, अगर 4 डिजिट होती तो क्या होता, 4 डिजिट नंबर होती है ना, तो इसमें क्या होता है, 2 जो है वह रिमाइंडर हो जाता है 2, एंड हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, 786। आया समझ में, है ना, मतलब कि अभी 10 से डिवाइड कर तो लास्ट डिजिट जो है वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग डिजिट्स जो होगी वह सब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन करते हैं। ऐसे अगर डिवीजन बाय 100 करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 100, कितने 0 2 0 2 प्लस, मतलब ये हमारा रिमाइंडर है, ठीक है, और हमारा क्वेश्चन क्या है, बच्चा है 68। आया समझ में, रिमाइंडर का बच्चा है 24 एंड क्वेश्चन का जरा 68। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं, है ना, अब इसमें हमारा रिमाइंडर क्या बचा है, 100 से डिवाइड करते हैं 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, और रिमेनिंग डिजिट क्या हो जाएगी, हमारी क्वेश्चन नंबर। आया समझ में, सेम ऐसे ही करेंगे 1000 के लिए, 1000 के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमने एग्जांपल लिया 68492 डिवाइड बाय 1000, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1000 490 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, क्वेश्चन का जो है 60 है। ठीक है, ऐसे वन मोर एग्जांपल लेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, अब 1000 से डिवाइड करेंगे हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 662, क्यों, 1000 से डिवाइड करो तो लास्ट 3 डिजिट हमारा रिमाइंडर, और रिमेनिंग डिजिट्स जो भी होते हो जाएगी हमारी क्वेश्चन हो जाएगी, 98247 हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, एंड 662 हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ये आगे समझ लो, डिवीजन बाय 10, 100 एंड 1000 है ना, कंप्लीट। नेक्स्ट अब हम समझेंगे डिवीजन फैक्ट्स फॉर अ गिवन मल्टीप्लिकेशन, है ना, जैसे हम क्वेश्चन पर दे देते हैं कि हमें एक प्रोडक्ट दे दिया और उसका डायरेक्ट आंसर दे दिया, लेकिन बीच वाले ब्लैंक छोड़ देते हैं, है ना, कैसे, जैसे जो हमें चाहिए वो हमें सेकेंड, हमारा सेकेंड प्रोडक्ट
di sini. Ye. Table ini mana nama di sini? Oh, table ke sebelah ini 49 loser. तो टेबल जो हम बनाते हैं वो दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो एडिशन करके एक मल्टीप्लिकेशन करके। हां मल्टीप्लिकेशन से समझेंगे 49 को का कितना हो गया 90 है ना, 49 3 जा 9 3 जा 27 4 3 जा 12 into 14 समझ में आया है ना। तो हम कैसे टेबल बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन करके, और एडिशन करने वाला ऐड करना, 49 प्लस 49 कितना हो गया 98 प्लस 49 कितना हो गया 40 है ना, फिर प्लस 49 करेंगे तो कितना हो जाएगा 799 कितना हुआ 16 448 9 and 1। इस टाइप से एडिशन करते भी टेबल बना सकते, ठीक है। अब 49 के टेबल में 74 आता नहीं आता, तो 49 से के टेबल 98 मतलब 74 से बड़ा, हम इससे छोटा नंबर के लिए क्या लेंगे 49। अब 49 4 में से 9 9 में से नहीं होंगे, क्या लिया हमने के लिए कितना होगा 40, 40 में से 9 माइनस 14 में से 9 माइनस। अब 14 में से 9 अब ऐसे हम सॉल्व करने बैठेंगे 14 माइनस 9 क्या करें डायरेक्टली फिंगर्स पे कैलकुलेट करें 14 कितना यहां पे है ना, टोटल 15 ब्लॉक्स है 14 यहां पे है। अब कितना माइनस का करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना बचे 1 2 3 4 5 हमारा आंसर क्या है इसका 5। अब इसमें से के ले दीजिए ना, यहां कितना होता है 6 6 में से 4 गया तो 2 25। अब 49 के टेबल में 25 कोई भी संख्या के टेबल में 49 से छोटा, हमने एक नंबर नीचे ले लिया। अब 254 49 के टेबल में 254 आता चेक कर दिया, हमें टेबल जा रही है हम टेबल बना के करेंगे 9 6 54 64 24 एंड 5 29 290 ये कितना है 254 हमारे से छोटा होगा 49 into 5 9 by 5 45 by 4 the 20 and 2 24 245 हमारे पास क्या है 245 ये से छोटा है ना, तो कितने टाइम से 4 टाइम 245 4 में से 5 माइनस नहीं होगा कितना का 40 40 में से 5 माइनस करते हो तो बचेगा 9 14 में से 5 माइनस कर देते हैं तब जो है यही तब भी 4 ये 0 हो गया और ये भी 0 ऊपर से क्या होता है 98 कितने टाइम्स में 2 टाइम्स में 49 टू सर 98 माइनस कर यानी तो हमारा सेकंड प्रोडक्ट क्या है 142 आया समझ में। ये हमने कैसे निकाला, अगर हमें ये फिलअप दे दिया तो हम क्या करेंगे ये नंबर होगा इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा सेकंड प्रोडक्ट आ जाएगा। आ गया समझ में हमने कैसे करा। हम एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है। अब हमें इसमें भी ये प्रोडक्ट निकालना है, क्या करेंगे इसको ये डिवाइड कर करके 14 डिवाइड का 14, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा हमारा सेकंड प्रोडक्ट। डिवाइड करेंगे 14 में 14 क्या आएगा बोलो। हमेशा याद रखना अगर 1 एक नंबर है ना, एक नंबर अगर हम नीचे ले लेते हैं नीचे उतार लेते हैं अगर फिर भी अगर डिवाइड नहीं होता है, अगर हम दूसरा नंबर भी उतारते हैं तो सबसे पहले हम डिवाइड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे 0 को करेंगे उसके बाद हम दूसरा नंबर उतारेंगे। ये हमेशा याद रखना है कि अगर एक नंबर उतारने के बाद भी हमारा डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम दूसरा नंबर अगर लेना है वहां पे दूसरा नंबर लेंगे और दूसरा नंबर लेना है तो हमें हमारे क्वेश्चन में 0 को करेंगे तब जाकर वो नंबर नीचे आएगा और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे 14 में जा 14।
101। वापस अगर हमें चेक करना है कि ये सही है, हम कह रहे हैं इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ये हमारे पास क्या आ गया जी, 101 × 14। 4 × 4 = 0, 0 × 4 = 0, 1 × 1 = 0, 0 × 1 + 4 = 4, 1 = 4, 1 आ गया हमारा ये आंसर, मतलब हमारा ये सॉल्यूशन सही है ना। हमने डिवाइड भी कर लिया और मल्टीप्लाई करके उसका वेरीफाई भी कर लिया कि वो सही है नहीं है। हमने पढ़ा था एस्टीमेट वैल्यू, है ना। एस्टीमेट वैल्यू मतलब राउंड ऑफ नंबर्स। राउंड ऑफ नंबर कैसे निकालते हैं, मान लिया हमारे पास एक सॉल्यूशन है, एग्जांपल के लिए क्या है कि 6485 डिवाइड बाय 23। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एस्टीमेट वैल्यू। अब 6485 की एस्टीमेट वैल्यू क्या होगी, 6000 और 23 की एस्टीमेट वैल्यू क्या होगी, 20। ठीक है, ये हमने एस्टीमेट वैल्यू निकाली, अब हम इसको डिवाइड करें। अब हमारे पास इजी थी तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से, शॉर्ट मेथड से डिवाइड करेंगे। 6000 डिवाइड बाय 20, 1070 का 2 × 2, 2 × 3 = 6, 20 एज इट इज, हमारा क्या है आंसर 300। टाइम के लिए एस्टीमेट वैल्यू मतलब इसका हमारा क्वेश्चन जो आया वो 300 आया, समझ में, है ना। एस्टीमेट जैसे हमने एडिशन में, सबसेक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में करा, ऐसे डिवीजन में भी हम एस्टीमेट वैल्यू निकाल कर हमारा सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम समझे प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, है ना। मतलब हम सॉल्यूशन जो कर रहे हैं उसमें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों हो। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्विंग क्या कर बोलना है, एडिशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, है ना। अब वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो जो जो चीज हमें दे रखी है ना, रीता ने परचेस कर दी, हम डायरेक्ट लिख देंगे एक, कितने 4x, है ना, बनाना कितने 9 बनाना एंड राइस कितना है 10 kg। ठीक, ये रीता ने परचेस कर। अब कॉस्ट क्या है, कॉस्ट 1 egg की कॉस्ट कितनी है, 4 rupees per egg, है ना। बनाना कितनी है, 3 rupees per banana एंड राइस क्या है, 35, कितना है 35 rupees per kg। ये हमारा सिंबल क्या, पर के जी मतलब एक के जी, है ना। वन यूज कर रहे हैं इसके लिए क्या है, और 4 rupees 1 egg, 3 rupees 1 banana एंड 35 rupees 1 kg। ठीक है, अब हमें बताना है कि 4 egg लिए हैं तो इसके 4 egg कितने रुपए हो गए, 4 × 4 कितना हो गया 16, है ना। 4 banana लिए हैं, सॉरी 4 egg लिए हैं, पर एक एक की कॉस्ट कितनी, 4 rupees, 4 × 4। ऐसे ही कितने बनाना थे, 9, एक बनाने की कॉस्ट कितनी है 3, 9 × 3 = 27। ऐसे ही 10 kg राइस ली, 1 kg की कितनी कॉस्ट 35, तो कितना हो गया 350। ठीक, अब हम इन तीनों का टोटल कर लेंगे, 350 प्लस 27 प्लस 16, ठीक है, 6 × 7 कितना हो गया 30, 8 × 1 = 5.6, 7 × 8 = 9 एंड 3 × 8 = 6, ये इसकी कॉस्ट होगी। अब ये कितना भी टोटल अमाउंट होगा, मतलब जो जो इसने परचेस करा। अब क्या बोला है, शी गिव 400 rupees टू द शॉपकीपर, रीता ने शॉपकीपर को कितने रुपए दिए, 400। अब शॉपकीपर रीता को वापस कितने रुपए देगा, तो कितने 400 रीता ने दिए, शॉपकीपर कितने रुपीज कट करेगा उसके, 390 का सामान हुआ, है ना। तो माइनस करेंगे, 0 में से 3 को सुधर नहीं है, तो हम कह देंगे यहाँ कितना हो गया 10, 10 में से
फॉरवर्ड ला रहे हैं यहां पे 9 10 में से देखिए 7 9 में से 9 है 0 इसमें से दे दे रहे कि कितना है 3 यहां पे 3 माइनस 3 0 तो शॉपकीपर वापस कितने रुपए देगा 7 रुपए तो हम आंसर में क्या लिखेंगे लास्ट में शॉपकीपर गिव रुपीस 7 टू द रीता आया समझ में है ना ये कैसे सॉल्व करा हमने कितने ये क्या है 4 ये है ठीक है ये पीसेस में है ना और ये केजी ठीक इसके अकॉर्डिंग हमने इस कॉस्ट दे रखी थी कॉस्ट और इसके पीस को मल्टीप्लाई कर दिया तो उस टोटल एक की हमारी कॉस्ट आ गई है ना टोटल बनाने की कॉस्ट आ गई टोटल राइस की कॉस्ट आ गई अब इसके बाद क्या करा जितने पेमेंट का हुआ है कितने का हुआ था 393 का हुआ था है ना और उसने शॉपकीपर को कितने दिए थे 400 रुपीस दिए थे तो वापस शॉपकीपर उसे कितने देगा 7 रुपीस देगा वो उसका पेमेंट है माइनस समझ में आ गया कैसे हमने प्रॉब्लम सॉल्व करी